हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा, जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भगोड़ा और घोटालेबाज मेहुल चौकसी पर, ये अब तक की बड़ी खबर। इसी हफ्ते मेहुल चौकसी का भारत में प्रत्यार्पण हो सकता है। चौकसी पर एंटीगुआ के पीएम गेस्टन ब्राउन का बड़ा बयान, जी न्यूज के सहयोगी चैनल व्योन से बातचीत में बयान दिया है, डोमिनिका से सीधे भारत प्रत्यार्पण होगा। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी डोमिनिका में पकड़ा गया। एंटीगुआ मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 62 साल का चौकसी डोमिनिका से क्यूबा भागने की फिराक में था, उसी दौरान उसे सीआईडी ने दबोच लिया। सूत्रों के मुताबिक एंटीगुआ और बाराबुड़ा से बोट के जरिए डोमिनिका पहुंचा था। और इसी बीच मेहुल चौकसी पर आपको 10 बड़े अपडेट भी दे देते हैं। देखिए, प्रत्यार्पण करके इसी हफ्ते भारत लाया जा सकता है और जल्द ही प्राइवेट जेट से भारत भेजा जाएगा। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री की तरफ से ये उम्मीद जागी है। डोमिनिका से सीधे भारत प्रत्यार्पण होगा। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि बुधवार को डोमिनिका में ये पकड़ा गया था, रविवार से एंटीगुआ और बाराबुड़ा से गायब था। गायब होने के बाद इंटरपोल ने नोटिस जारी किया। इंटरपोल के नोटिस के बाद डोमिनिका में पकड़ा गया। फिलहाल एंटीगुआ का नागरिक 2018 से निवासी है, नीरव मोदी के साथ मिलकर पीएनबी में घोटाला किया, 13,500 करोड़ के घोटाले का आरोपी है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं एंटीगुआ और बाराबुड़ा के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने हमारे सहयोगी चैनल व्योन के प्रिंसिपल डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्धांत सिब्बल से बातचीत में क्या कुछ कहा। Where he is, in which part of the country he is in Dominica? Well, Chuxi was found in Dominica and he is presently detained. The Antiguan government has been literally coordinating efforts with the Dominican and Indian governments to ensure that Mr. Chuxi is deported directly from Dominica back to India. So, any time period, if you can give us that, by how much time he can be sent to India from Dominica, if it's possible, sir? Well, presumably, assuming there are no legal impediments and the government of India is able to perhaps get law enforcement to travel to Dominica within the next 48 hours, I believe that they should be in a strong position to have him repatriated. Mm-hmm. Perhaps next any time period by end of the week, like if it's possible, if there's no legal impediments, sir? Exactly. Assuming there are no legal impediments, I believe that within the next 48 hours, Chuxi could be perhaps on a private jet, repatriated to India. Mm-hmm. और हमारे साथ सिद्धांत सिब्बल भी जुड़े हैं। सिद्धांत, कल आपने एंटीगुआ और बाराबुड़ा के प्रधानमंत्री से बातचीत की, क्या लग रहा है कि कब तक मेहुल चौकसी को देश लाया जा सकता है? 48 घंटे माने यही पूरा हफ्ता लग सकता है। जी, मैं आपको बता दूं, इस वक्त डोमिनिका में रात करीब 10 बज रहे हैं और अभी मेरी बात हुई है वहां लोकल अथॉरिटीज से। कल एक अहम दिन हो सकता है डोमिनिका में। उन्होंने कहा है कि कल वहां के प्रधानमंत्री यानी डोमिनिका के प्रधानमंत्री वियोन ने उनसे भी रीच आउट करने की कोशिश करी है, पर अभी वो कुछ कहना नहीं चाहते इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि आज पूरे दिन डोमिनिका में, क्या आज अभी भी वेंसडे है डोमिनिका में, वहां पूरे दिन आज उससे पूछताछ चलती रही, डिटेल्स उससे और ली गई, पर डिटेल्स क्या ली गई वो नहीं बताया गया है। कल वहां की पुलिस और वहां के प्रधानमंत्री दे सकते हैं बड़ा बयान, और बयान क्या होगा वो हमें कल ही पता चलेगा। पर आज हमने देखा कैसे जो एंटीगुआ के प्रधानमंत्री है उनने बातचीत करी, और बातचीत काफी फ्रैंक बातचीत करी। उनने कहा कि 48 आवर्स के अंदर वो आ सकता है भारत। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि वो एंटीगुआ वापस आए, क्योंकि
आइडियली इस वक्त वो एंटीगुआ का नागरिक है और उसको वहां कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो हर सिटीजन को मिलते हैं, पर अगर वो आता है तभी वो मिलते हैं, अभी वो उस देश में नहीं है, इसलिए डायरेक्टली डोमिनिका से वो भारत आ सकता है। डिटेल्स काफी इस वक्त स्केची हैं और बताई नहीं जाएगी क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन भी हो सकता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं उनने डिटेल्स दी कैसे बातचीत चल रही है, अभी तीन देशों के बीच बातचीत चल रही है, भारत के बीच, एंटीगुआ के बीच और डोमिनिका के बीच। दोनों प्रधानमंत्री, जो डोमिनिका के प्रधानमंत्री है और एंटीगुआ की प्रधानमंत्री, वो रात, मतलब जब रात थी भारत में उस वक्त वहां दिन था, पूरे दिन आपस में बातचीत करते रहे। भारत की जो हाई कमिश्नर है गयाना में, वो भी बातचीत करते रहे और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट लग रही है काफी। बल्कि एक सवाल उनसे पूछा गया था कि भारत की तरफ से क्या रुख है जो पिछले 24 घंटों में डेवलपमेंट हुई है, तो उन्हें साफ साफ कहा कि कहीं ना कहीं एक इसका भी हैप्पी न्यूज की तरफ लिया जा रहा है भारत के ऑफिशियल्स को, ऑफिशियल्स इस पूरी जो डेवलपमेंट हुई। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो वहां के प्रधानमंत्री ने कही कि एक मॉन्यूमेंटल ब्लंडर करा है चौकसी ने एंटीगुआ को छोड़ के, क्योंकि जैसे वो उन्होंने एंटीगुआ छोड़ा उनके राइट्स फीट हो गए और कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर एक तरह से इंटरनेशनल लॉ लगेगा और उनको वापस जल्दी भारत भेजा जा सकता है। सिद्धांत, डोमिनिका से भी क्या क्यूबा भागने की फिराक में था मेहुल चौकसी, और दूसरा ये क्या इस बार कोई कानूनी पेच तो नहीं फंसेगा? आपने बातचीत की है प्रधानमंत्री से, तो ऐसे में क्या लगा आपको एंटीगुआ के प्रधानमंत्री की तरफ से क्लैरिटी मिल रही है? पहले सवाल के करके जवाब देता हूँ कि 7 मिनट की बातचीत हुई थी उनसे और हर तरह के सवाल उनसे पूछे गए थे, तो उनने कहा था कि वो कोशिश कर रहा था कि किसी और देश भागे और कहीं ना कहीं डोमिनिका में ही उसे इंटरसेप्ट कर लिया, वो भी एक कैरेबियन देश है। अब लीगल केस की बात कर लेते हैं, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने कि अभी एज ऑफ नाउ कोई लीगल इशू नहीं होना चाहिए, लीगल इशू यही हो सकता है कि जो उसके लॉयर्स हैं यानी मेहुल चौकसी के लॉयर्स हैं वो कोशिश कर सकते हैं कि वो वापस एंटीगुआ आए, क्योंकि जब वो एंटीगुआ में आता है उस, क्योंकि वो नागरिक तो एंटीगुआ का ही है आज की डेट के अंदर, तो उस पे वहां के रूल्स लगेंगे, उसे प्रोटेक्शन दी जाएगी, पर क्योंकि वो अभी एंटीगुआ में नहीं है तो उस पे अभी कोई रूल नहीं लगेगा, वो भारत आ सकता है। पर कोशिश क्या करेंगे वहां के लॉयर्स, वो करेंगे कोशिश कि उसे वापस एंटीगुआ लाया जा सके और कहीं ना कहीं इसी, मतलब बहुत कम टाइम है, इसके अंदर ही कहीं ना कहीं कोशिश की जा सकती है कि वो भारत वापस आ सके, जाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सिद्धांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जानकारी आपसे जुड़ाएंगे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store, डाउनलोड इट नाउ।